हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेबी एंड सीएबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अपने रिटेल बैंकिंग का वन लाइनर, जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर पॉसिबल हैं पूरे रिटेल बैंकिंग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इसे शुरुआत करने से पहले रिटेल मेरा आज का टॉपिक है हमारा रिटेल बैंकिंग वन लाइनर, यानी कि वन लाइनर या बुलेट पॉइंट जिसे आप कहते हैं, तो मैं उसे कवर करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं रिटेल बैंकिंग का वन लाइनर शुरू करूं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूं कि रिटेल बैंकिंग को यदि आपको 5 दिनों में कवर करना है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं और फिर मैं अपने टॉपिक को कवर करूंगा। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग के बारे में आपको मैं बताऊं तो यहां पे फैक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, फैक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें। ठीक है, फैक्ट्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। और दोस्तों, फैक्ट्स और न्यूमेरिकल के साथ साथ मैक्सिमम तो ज़्यादातर फैक्ट्स ही हैं। तो दोस्तों देखिए, 3-4 चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपका जो रिटेल बैंकिंग है, इसमें रिटेल बैंकिंग के साथ डिजिटल बैंकिंग भी एडेड है। ये तो आपको पता ही है, रिटेल बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग ऐड हो गया है। चलिए, तो देखिए, ज़्यादातर पोर्शन रिटेल बैंकिंग से ही क्वेश्चन आता है, डिजिटल बैंकिंग का कम शेयर परसेंटेज है, लेकिन फिर भी इसे भी हमें कवर करना है। रिटेल बैंकिंग में सबसे पहला क्या है, आपको सबसे पहला चीज़ क्या है कि आपके पास 4 मॉड्यूल्स हैं। आपके मैकमिलन बुक में 4 मॉड्यूल्स हैं, आपने देखा होगा। और 4 मॉड्यूल्स में हर एक मॉड्यूल में मान के चलिए 6 चैप्टर है, तो 24 चैप्टर्स हैं दोस्तों। तो यदि आपने अभी तक उन सभी चैप्टर्स को पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आपको रिक्वायरमेंट है शॉर्ट नोट्स की। ठीक है, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चैप्टर से, उसका सार आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, पहला चीज़ है शॉर्ट नोट्स। दूसरा चीज़ जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि जो शॉर्ट नोट्स आपने पढ़ा उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, या तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा या प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यानी कुल मिलाकर आपको एमसीक्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। एमसीक्यूज़ में क्या आएगा, एमसीक्यूज़ में आएगा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और क्या आएगा दोस्तों, प्लस आपका आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपने जो चीज़ पढ़ा है वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप एमसीक्यू से चेक करेंगे। ठीक है, और तीसरा चीज़ क्या चाहिए दोस्तों, आपको रिवीजन। ठीक है, रिवीजन चाहिए, यानी आप 24 चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है रिवाइज भी करना पड़ेगा उन सभी को। तो रिवीजन कैसे होता है, तो रिवीजन होता है क्विक रिवीजन सेशन से, यानी तो बुलेट पॉइंट से। ठीक है, आपके नोट्स से रिवीजन होता है। तो ये 3 चीज़ हैं, और ऑब्वियस सी बात है इसमें केस स्टडी भी आप जोड़ लीजिए, एमसीक्यूज़ में ही केस स्टडी भी आप जोड़ लीजिए, और सेम चीज़ है डिजिटल बैंकिंग के लिए भी। तो दोस्तों, यदि आपने ये सब चीज़ कर रखा है तो निश्चित रूप से आप रिटेल बैंकिंग को भी अच्छे मार्क्स से सफल मार्क्स ले पाएंगे। यदि आपके पास कम समय है तो दोस्तों, आप मेरे सीआईबी का जो प्लान है, 2022 का जो प्लान है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप वो पेड नोट्स है बेसिकली, आप मेरे वीडियोज़ का हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। मेरे चैनल पर रिटेल बैंकिंग का प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। हर एक यूनिट का वीडियो मैंने बनाया है 1 से लेकर 24 तक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज उसका मिल जाएगा। एमसीक्यूज आप सेक्शन देखिएगा, और एक सेक्शन मैंने अलग से बनाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये देख पाएंगे कि आपने जो चीज़ पढ़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज का लगभग मेरे चैनल पे 400 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 400 या 500 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, रिवीजन के लिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वन लाइनर। यदि आपके पास कम समय है तो आप मेरे नोट्स का भी हेल्प ले सकते हैं, तो जिसके लिए आपको वो पेड PDF लेना पड़ेगा, और नीचे मैं आपको व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ जिस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये सब चीज़ आपको, ये 3 चीज़ कवर कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स, MCQs और रिविजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर में, इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। चलिए दोस्तों, हम लोग रिटेल बैंकिंग के वन लाइनर को शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, आराम से समझेंगे हर एक पॉइंट को, अंतिम तक बने रहिएगा। सारा चीज़ कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आपको ध्यान से सुनना है हर एक पॉइंट को। चलिए सबसे पहला चीज़ शुरुआत कर दोस्तों, हम लोग देखिए रिटेल बैंकिंग में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट। ठीक है, इस पर केस स्टडी एक पूछा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट पे। ठीक है, तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट्स के बारे में, PSL जिसे हम लोग कहते हैं। इस पर जो केस स्टडी आएगा उससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है ANBC को समझना। ठीक है, ANBC क्या होता है दोस्तों? ANBC को हम लोग कहते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं तो ANBC को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ANBC को हम लोग कहते हैं एडजस्टेड
एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि ANBC का मतलब क्या होता है। तो ANBC के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है बैंक क्रेडिट, बैंक में जो क्रेडिट है वो आता है। उसके अलावा क्या आता है दोस्तों, उसके बाद अलावा जो आपका आपके पास non-SLR इन्वेस्टमेंट है, non-SLR कैटेगरी, non-SLR कैटेगरीज है दोस्तों। हाँ तो इसके अलावा क्या आता है, non-SLR कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट, तीसरा इसके अलावा दोस्तों आता है हमारा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर, अब आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कहाँ का है, RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, NHB नेशनल हाउसिंग बोर्ड, NABARD नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दोस्तों SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये आता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो जरा देखिए, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस बिल डिस्काउंटेड विथ RBI, ठीक है, माइनस बिल डिस्काउंटेड विथ RBI, ठीक है। तो देखिए ये सब ये NBC का एक्चुअल डेफिनेशन है कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट आता है हमारे NBC का। अब हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर पे आते हैं दोस्तों, तो देखिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की यदि हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, तो दोस्तों टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की यदि बात करें तो वो होता है हमारा 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, ये पॉइंट है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर होता है हमारा 40% ऑफ ANBC, ठीक है। अब देखिए कुछ फॉरेन बैंक्स हैं, क्या हैं फॉरेन बैंक्स, ठीक है, और फॉरेन बैंक्स कैसे बैंक हैं कि जिनके पास ब्रांचेज जो हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज, जिनके पास नंबर ऑफ ब्रांचेज जो हैं 20 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन 20, तो इनके लिए क्या कहा गया है कि इनको टारगेट अचीव करना है 5 ईयर का, ठीक है, इनको जो टारगेट, ये टारगेट जो मैंने आपको बताया ऊपर 40% का, इनको 5 साल का समय दिया गया था इस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ओके तो फॉरेन बैंक में नंबर ऑफ ब्रांचेस ग्रेटर देन 20 के लिए टारगेट अचीव करने के लिए समय दिया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना परसेंट एलोकेशन है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें जो एलोकेशन कहा गया है वो है दोस्तों 18%, ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, क्या है माइक्रो, इसे हम लोग शॉर्ट में MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के केस में आपको देखिए माइक्रो इंटरप्राइज को कितना दिया गया वो मैं समझाता हूँ, माइक्रो इंटरप्राइज को दिया गया है कितना, तो 7.5% 7.5% ऑफ ANBC, ठीक है। तो माइक्रो इंटरप्राइज कितना दिया गया है, 7.5% ऑफ ANBC दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को कितना परसेंट दिया गया है, आइए जरा देखते हैं। हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस को पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वीकर सेक्शन को, वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन को जो एडवांस दिया गया है दोस्तों वो है हमारा 10% ऑफ ANBC, 10% ऑफ ANBC, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्या आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो उधार आता है वो है, ठीक है।
ठीक है, तो जो डोमेस्टिक बैंक है तो उनको क्या किया गया है, देखिए उसमें भी लिमिट है, उसमें भी चेंजेज हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है डोमेस्टिक बैंकों को, क्या कहा गया है कि उन्हें एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाता है अप टू 2% ऑफ ANBC, कितना 2% ऑफ ANBC, ठीक है, या CEOBC, ANBC रहेगा या कहीं कहीं देखिएगा आप CEOBC रहता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, CEOBC का फुल फॉर्म मैं आपको लिख देता हूँ, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ, क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट यहाँ पे लेना होगा, क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, तो ये होता है हमारा फुल फॉर्म CEOBC का। तो एक्स डोमेस्टिक बैंक के लिए कितना है दोस्तों 2% है, जो भी हायर होगा या तो ANBC या तो CEOBC, दोनों में से जो भी हायर होगा उसे हम लोग लेंगे, ठीक है। और चलिए ये तो क्लियर है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग एजुकेशन लोन की, ठीक है। एजुकेशन लोन में आइए देखते हैं कि कितना हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, तो एजुकेशन लोन में दोस्तों हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, तो दोस्तों 20 लाख, ये 20 लाख है, पहले 10 उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, लिमिट को बढ़ा दिया गया है तो 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो ये डाटा आप लोग याद रखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में जो प्रोटी सेक्टर लिमिट है वो कितना है 20 लाख है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग हाउसिंग लोन की, तो हाउसिंग लोन की यदि बात करें तो देखिए हाउसिंग लोन में क्या कहा गया है कि 28 लाख है, कहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 28 लाख है, कहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है 28 लाख है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो 35 लाख का मिलता है, ठीक है। और दूसरे सेंटर पे 20 लाख का लोन मिलता है, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें 28 लाख किस लिए मिलता है, तो 28 लाख मिलता है, और देखिए कॉस्ट कितना है, देखिए समझिए कॉस्ट है, कॉस्ट मिलता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में 35 लाख का, ठीक है, और दूसरे सेंटर में 20 लाख, अदर सेंटर 20 लाख, और कॉस्ट जो मिलता है अदर सेंटर पे वो कितना मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हाँ 25 लाख का, कॉस्ट कितना है 25 लाख का। चलिए एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यदि मान लीजिए कि रिपेयर करना है, ठीक है, हाउसिंग लोन हम ले रहे हैं रिपेयर टू डैमेज्ड ड्वेलिंग यूनिट, यानी कि कोई ड्वेलिंग यूनिट है वो डैमेज हो चुका है उसे रिपेयर करना है दोस्तों, तो उस केस में जो हमारे पास जो हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर एडवांस का लिमिट तय किया गया है वो है 5 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, 5 लाख कहाँ पे मेट्रोज में, और 2 लाख है अदर सेंटर, समझ में आया अदर सेंटर्स। तो ये है हमारा हाउसिंग लोन का क्राइटेरिया कि कितना परसेंटेज हाउसिंग लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए केस स्टडी यहाँ से बनेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है दोस्तों, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में जो लोन का लिमिट है 5 करोड़ पर बोरोअर, 5 करोड़ पर बोरोअर, ठीक है। इसमें क्या क्या पर्पस आएगा, सोलर पावर जनरेटर, बायोमास जनरेटर, विंड मिल, माइक्रोवेडल प्लांट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। देखिए नहीं इसमें देखिए सोशल हम बात कर रहे हैं, पर ये सोशल 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 इंफ्रास्ट्रक्चर के ना, देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर स्कूल आएगा, सॉरी इसके अंदर क्या आएगा, स्कूल आएगा,
ठीक है। और क्या आएगा दोस्तों, हेल्थ केयर फैसिलिटी आएगा, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद क्या आएगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो ये सब आता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो लिमिट ध्यान रखना है, वीकर सेक्शन में 10%, एक्सपोर्ट क्रेडिट में 2%, एजुकेशन लोन में 20 लाख, हाउसिंग लोन में 28 लाख, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बनाने के लिए कॉस्ट है 35 लाख का, 20 लाख हाउसिंग सेंटर में कॉस्ट है 25 लाख का, डैमेज ड्वेलिंग यूनिट की रिपेयरमेंट के लिए मेट्रो में 5 लाख और दूसरे सेंटर्स में 2 लाख, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 करोड़ पर बार। और इसमें जो कैटेगरी आता है दोस्तों, वो स्कूल आता है, हेल्थ यूनिट आता है, चलिए हेल्थ केयर यूनिट आता है। अब दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। ये तो था हमारा ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जो कि है अपना रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की यदि बात करें तो जो बैंक का लोन है वो है 15 करोड़ पर बॉरोअर, ठीक है। कितना है दोस्तों, 15 करोड़ पर बॉरोअर। पर बॉरोअर 15 करोड़ का लिमिट डाला गया है रिटेल बैंकिंग में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा क्या क्या पर्पस है, तो सोलर पावर जनरेटर, ठीक है, बायोमास पावर जनरेटर, ये तो पता ही होगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। चलिए और दोस्तों हाँ ये तो है 15 करोड़ पर बॉरोअर, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए, ठीक है, द लोन लिमिट जो रखा गया है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए जो लोन लिमिट रखा गया है वो रखा गया है दोस्तों 10 लाख पर बॉरोअर, ठीक है। तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। चलिए तो मैंने आपको हर एक सेगमेंट समझा दिया, एग्रीकल्चर, वीकर सेक्शन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि एक होता है हमारा PSLCs, क्या होता है PSLCs, BSLCs को हम लोग फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। देखिए ये क्या होता है कि ये एक मैकेनिज्म है, ये क्या है बेसिकली, ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है कि बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट को अचीव करती है। इट हेल्प्स बैंक्स टू अचीव प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, ठीक है। हाँ कैसे, तो बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय परचेज, बाय कैसे हेल्प करती है, तो परचेज, तो ये इंस्ट्रूमेंट बैंक परचेज करती है, परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट। तो मान लीजिए कि बैंक के पास जो है बाय परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर बैंक है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे शॉर्टफॉल है, तो ये क्या करती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या करती है कि बैंक को हेल्प करती है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट को अचीव करे। तो ये था हमारा PSLC। तो दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, जो कि है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, जिससे केस स्टडी आने की संभावना है, जो कि है हमारा सरसई। दोस्तों आपको मैं कहूंगा कि एक बार नीचे कमेंट सेक्शन एक बार जरूर देखें, कोई भी यदि त्रुटि हो गई होगी किसी डाटा में, क्योंकि डाटा अक्सर चेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है मैं कहीं मिस कर गया हूँ अपडेटेड देने में, तो मैं उसे वहाँ अपडेट कर दूंगा, तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन को देखिएगा। दोस्तों सरसई जो है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, इसका फुल फॉर्म पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्योरिटाइजेशन
सेक्रुटाइजेशन, एसिड रिकंस्ट्रक्शन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सरसे का फुल फॉर्म है दोस्तों। ये जो है सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के अंतर्गत फ्रेम्ड है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो यदि हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, आखिर सरसाई क्यों इस्टेब्लिश किया गया, तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड को प्रिवेंट करता है। अब कैसे प्रिवेंट करता है? ठीक है, तो ये देखिए दूसरा पॉइंट है कि किसके डायरेक्शन के अनुसार ये ऑपरेट होता है। तो याद रखिएगा, ऑपरेटेड अंडर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के डायरेक्शन में ये ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जो कि सरसाई से रजिस्टर्ड करना होता है, तो ये ध्यान रखना है, ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड विद सरसाई। दोस्तों देखिए, जो ट्रांजैक्शन हमें सरसाई के साथ रजिस्टर करना है, आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड विद सरसाई, तो देखिए जो ट्रांजैक्शन हमें सरसाई से रजिस्टर्ड करना है वो है क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज। तो पहला है दोस्तों, यदि मॉर्गेज का क्रिएशन कर रहे हैं तो उसे हमें रजिस्टर्ड करना है सरसाई के पास। दूसरा है दोस्तों जिसे हमें रजिस्टर्ड करना है वो है हमारा क्रिएशन ऑफ मॉडगेज, मान लीजिए कोई हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन यदि हम कर रहे हैं, ठीक है, और यदि मान लीजिए कि कोई हाइपोथिकेशन का ट्रांजैक्शन है, कोई हाइपोथिकेशन का ट्रांजैक्शन है या कोई असाइनमेंट है, तो ये सब हमें सरसाई के पास रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम लिमिट का। तो टाइम लिमिट कितना है? तो टाइम लिमिट जो कहा गया है वो है 30 डेज। वो क्या है हमारा 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक है, 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन जिस दिन हो रहा है या चार्ज जिस दिन क्रिएट हो रहा है तो उसके 30 दिन के अंदर हमें इसे सरसाई से रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सरसाई के बारे में और कुछ पॉइंट देखते हैं। ये सब पॉइंट्स आपकी केस स्टडी बन सकते हैं दोस्तों। यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आप व्हाट्सएप करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, पेड पीडीएफ। चलिए उसके बाद दोस्तों सरसाई कहाँ डिफाइंड है? सरसाई डिफाइंड इन, तो जो एक्ट का नाम है उसे मैं बता देता हूँ आपको। जो एक्ट का नाम है उसे हम लोग कहते हैं सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट। तो ध्यान रखिएगा सरसाई डिफाइंड है सरफेसी एक्ट में दोस्तों। हाँ, किसको सरसाई जो है किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो याद रखिएगा सरसाई रजिस्टर्ड अंडर, सरसाई किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? सरसाई रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत सरसाई रजिस्टर्ड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो कितना है, वो है 51%। चलिए ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों सरसाई जो है के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कुछ चेंज लाने का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अमेंड। तो यदि कोई अमेंडमेंट करनी है सरसाई में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन का डिटेल नहीं फिल किया गया 60 दिन के अंतर्गत,
तो डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट फिल्ड, ये नॉट पर ध्यान रखिएगा, नॉट फिल्ड लेस देन और इक्वल टू 60 डे, मतलब 60 दिन के अंतर्गत यदि ट्रांजेक्शन का डिटेल नहीं फिल किया गया, ठीक है, कब से, तो फ्रॉम फ्रॉम जिस दिन से चार्ज क्रिएट किया गया, फ्रॉम डेट ऑफ चार्ज, फ्रॉम डेट ऑफ चार्ज, ठीक है, तो हाँ फ्रॉम डेट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, कि यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस केस में आपको परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। किस लिए परमिशन लेना पड़ेगा, कि आप चार्ज कर सकते हैं, आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, तभी आप डिटेल को फिल कर सकते हैं। बाय परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन फिल द डिटेल। डिटेल फिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। और जो डिले है, जो ये डिले है, डिले कैन बी कॉन्डोन्ड बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार, मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार माफ़ कर सकता है इस डिले को, लेकिन ऐसे तो माफ़ करेगा नहीं, तो क्या लेगा वो, तो वो लेगा फी लेगा, वो क्या लेगा, फी लेगा। पूछा जाता है कि फी कितना लेगा वो, तो फी जो है वो 10 टाइम या इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ प्रेस्क्राइब फी। तो जो प्रेस्क्राइब फी है उसका 10 गुना लेता है, क्योंकि आपकी गलती, आपने 60 दिन तक जो है चार्ज को क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लो, नहीं तो सेंट्रल रजिस्ट्रार हेल्प करेगा, लेकिन वो 10 गुना चार्ज लेगा। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है। तो ये था हमारा दोस्तों सरसे से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इस पार्टिकुलर चैप्टर से, वो है दोस्तों एक है हमारा मॉर्गेज पे केस स्टडी आता है। क्या आता है, मॉर्गेज पे केस स्टडी आता है, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं मॉर्गेज केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर बैंक जो है वो इक्विटेबल मॉर्गेज की तरफ फेवरेबल क्यों है, सो वाई बैंक आर गोइंग फॉर इक्विटेबल मॉर्गेज। आपको आपने पढ़ा होगा, जब जेआईबी की तैयारी किए होंगे तो आपने इक्विटेबल मॉर्गेज के बारे में पढ़ा होगा। तो बताइए बैंक क्यों ज़्यादा इक्विटेबल मॉर्गेज की तरफ जाना चाहती है। तो इसका रीज़न याद रखिएगा कि इसमें कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं होता है, ठीक है, नो स्टाम्प ड्यूटी, ये बेसिक रीज़न है, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, देखिए अब एक है इसका दूसरा टाइप है, वो है कंडीशनल कंडीशनल सेल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल मॉर्गेज। और ये जो कंडीशनल सेल मॉर्गेज है दोस्तों, इसमें स्टाम्प ड्यूटी होता है। ये क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है। अब देखिए ये स्टाम्प ड्यूटी अट्रैक्ट कर रहा है, और इक्विटेबल मॉर्गेज में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, तो बैंक किस तरफ जाएगी, तो इक्विटेबल मॉर्गेज की तरफ जाएगी। ये सिंपल सा रूल है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो जहाँ से क्वेश्चन आती है, वो है BCSBI। क्या है BCSBI, हम लोगों ने पहले भी देखा है इसके बारे में, कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। इस पर जो केस स्टडी पूछा जाता है, तो देखिए ये केस स्टडी में पहले इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वो है बैंकिंग। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, इस पर भी केस स्टडी आता है दोस्तों, BCBCA BCSBI में भी केस स्टडी आता है। मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको केस स्टडी करवा दूंगा। तो दोस्तों बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे BCSBI का। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये BCSBI जो है ये ऑप्शनल है या नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये ऑप्शनल है, इट इज ऑप्शनल। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारा ऑप्शनल है, तो BCSBI जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वॉलेंट्री सबको लेना ही लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये क्या है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं,
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि है अपना लोक अदालत। देखिए लोक अदालत के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लोक अदालत के बारे में क्या है कि याद रखना है कि सबसे पहले इसको सेटअप किस एक्ट के अंदर कहा गया, तो याद रखिएगा इट इज सेटअप अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, इसका खासियत क्या है, लोक अदालत का खासियत क्या है कि कोई भी कोर्ट फी इसमें नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी अपील करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, नो अपील। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद देखिए 20 लाख तक का जो केस है वो लोक अदालत के अंदर आता है, केस अंडर 20 लैक्स। ठीक है, वो लोक अदालत को रेफर किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, यदि ऊपर दो 20 लाख से ऊपर है, ठीक है, यदि 20 लाख से ऊपर का केस है तो वो रेफर किया जाता है किसे, DRT को। ठीक है, इसका खासियत क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि कोर्ट फी नहीं लगता है, कोई भी अपील नहीं है इसमें। ठीक है, और एक और खासियत है दोस्तों, काफ़ी फास्ट इसका डिस्पोजल होता है, तो एक्सपेडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। हाँ, और एक और पॉइंट याद रखिएगा लोक अदालत के बारे में कि नो अपील, आप अपील नहीं कर सकते हैं किसके अगेंस्ट, लोक अदालत ऑर्डर के अगेंस्ट। सो नो, लोक अदालत का जो ऑर्डर है वो फाइनल होता है, सो नो अपील अगेंस्ट लोक अदालत ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है लोक अदालत के बारे में जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारे डिटेल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक को, क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। चलिए यहाँ से भी केस स्टडी या कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन एक्ट से, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन का मतलब समझिए, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है दिस इज एप्लीकेबल टू किस अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है, एनपीए अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और लिमिटेशन के अंदर का दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, कहाँ नहीं अप्लीकेबल है, जो हमारा सारफेसी एक्ट है ना, आपने पढ़ा है इस चीज़ को कि सारफेसी कहाँ नहीं लगाते हैं, तो याद रखिएगा आपने जेबी में पढ़ा था कि सारफेसी नॉट एप्लीकेबल टू, पहला कंडीशन है कि लोन जिसका आउटस्टैंडिंग जो है वो बिलो 1 लाख है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सारफेसी कहाँ नहीं लगता है, यदि मान लीजिए कि किसी गुड पे लीन है, लीन ऑन एनी गुड, ठीक है, या प्लेज, ठीक है, उसके बाद किसी वैसल पे, उसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड पे, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड पे। चलिए तो ये सब केसेस में सरफेसी एक्ट नहीं लगता है। और एक और केस पॉइंट याद रखिएगा कि जहाँ पे जो ड्यू है वो 20% से कम है, 20% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट का, तो ड्यू यदि 20% से कम है तो वहाँ पे सरफेसी एक्ट क्या लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों यदि हम बात करें सारफेसी एक्ट के अंतर्गत जो सिक्योर क्रेडिटर आते हैं वो कौन होते हैं उसके बारे में, सिक्योर क्रेडिटर, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सिक्योर क्रेडिटर हैं, तो एक बैंक है, ठीक है, बैंक सिक्योर क्रेडिटर है, ठीक है, ये क्रेडिट देती है। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा है, तीसरा दोस्तों ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोलते हैं इसे, ठीक है, ये सब हमारे कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं दोस्तों। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्शन 13(2), इसके अंदर क्या होता है कि नोटिस फॉर
पेमेंट, मतलब पेमेंट के लिए नोटिस दिया जाता है और 60 दिन का दिया जाता है, विद इन 60 डेज, ठीक है। 60 डेज से कहते हैं 60 डेज सो केस नोटिस, ठीक है। तो ये दिया जाता है और इसका साइन कौन करता है, इस पर साइन करता है नॉट लेस देन स्केल 4 ऑफिसर, मतलब स्केल 4 ऑफिसर से जो ऊपर है, या तो स्केल 4 ऑफिसर साइन करेगा या स्केल 4 ऑफिसर से जो ऊपर है वो साइन करेगा, ठीक है। ये जो नोटिस के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि यदि नोटिस अनडिलीवर्ड रहा, ठीक है, तो आपको, हाँ, यदि नोटिस जो है अनडिलीवर्ड रहा, इफ़ नोटिस, यदि कभी होता है ना कि नोटिस पहुंचा ही नहीं या वापस लौट गया अनडिलीवर्ड, तो आपको क्या करना है, नोटिस यदि अनडिलीवर्ड है तो 2 डेली में पब्लिश करना है, जैसे 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है, 2 डेली पब्लिश, समझ में आ, 2 डेली में 2 न्यूज़पेपर में क्या करना है, पब्लिश करना है। तो ये है कुछ सेक्रेटाइजेशन एक्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, चलिए। हाँ, जो हमारे ऑथराइज ऑफिसर है वो पॉइजन लेते हैं विथ 2 विटनेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो पॉइजन नोटिस है, अब देखिए दोस्तों इसमें एक एक्ट और याद रखिएगा, 13(3), 13 का 3rd नंबर पार्ट, इसमें क्या कहा गया है कि नॉट टू डिस्पोज ऑफ, नॉट टू डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, हाँ। उसके बाद देखिए क्या है कि यदि मान लीजिए कि पोजीशन लेना है एसेट का जो कि सर्फेसी एक्ट के अंतर्गत है, तो बैंक हेल्प ले सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, किसका हेल्प ले सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हेल्प ले सकता है बैंक, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो हेल्प लेगा, या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का हेल्प ले सकता है। और दोस्तों उसके बाद क्या याद रखिएगा कि ऑथोराइज ऑफिसर पर्सनली 2 विटनेस के साथ पॉइजन ले सकता है, हाँ। सेक्शन 13(4) के अंतर्गत यदि 45 दिन के अंतर्गत मान लीजिए कि नोटिस के 45 दिन के अंतर्गत जो है इस सेक्शन में जो हमारे बॉरोवर हैं वो क्या कर सकते हैं, बॉरोवर क्या कर सकते हैं कि वो अपील कर सकते हैं, कहाँ पे, तो DRT में, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT में वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अपील क्यों करते हैं, तो हाँ, उसके बाद DRT को क्या करना है कि जो भी अपील है उसे डिस्पोज करना है, ये सब टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो DRT को डिस्पोज करना है कितने दिनों में, विद इन 60 डेज, ठीक है। 60 डेज के अंतर्गत क्या करना है, उसे उस प्रॉब्लम उसके इशू को हैंडल करना है। उसके बाद दोस्तों एक आपको याद रखना है कंसोर्टियम अकाउंट के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, कंसोर्टियम अकाउंट के बारे में। तो कंसोर्टियम अकाउंट क्या होता है कि जिसमें क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग 60% ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू हैव टू एग्री। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइपोथिकेशन है तो उसे किस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा हाइपोथिकेशन है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2N ऑफ सर्फेसी एक्ट 2002, ठीक है। सर्फेसी एक्ट 2002 का सेक्शन 2N में हाइपोथिकेशन को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। चलिए, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किसके बारे में था,
ये सब पॉइंट था दोस्तों हमारा सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों डीआरटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? डेप्ट रिकवरी। देखिए जितना पॉइंट में बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, यहीं से आपका एमसीक्यूज जितना बन सकता है सब यहीं से बनेगा, इसीलिए पॉइंट को सुनते जाइए और नोट करते जाइए। तो दोस्तों ये इसका पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो डीआरटी में जो डेप्ट आता है, वो डील जो होता है वो 20 लाख से ऊपर का केस का होता है। डीआरटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, इसके अंदर जो है इट इंक्लूड्स, इट कवर सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डेप्ट। तो दोनों तरह के डेप्ट इसमें कवर होते हैं, चाहे वो सिक्योर डेप्ट हो चाहे वो अनसिक्योर डेप्ट हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लिमिटेशन एक्ट है, कौन सा एक्ट है? लिमिटेशन एक्ट कब का एक्ट है? 1963 का एक्ट है, ये अप्लाई होता है। लिमिटेशन एक्ट क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे अप्लाई होता है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है? कोर्ट फी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कोर्ट फी कभी कभी पूछ लेता है कि कोर्ट फी कितना है डीआरटी के केस में। तो डीआरटी के केस में जो कोर्ट फी है वो है 10 लाख। देखिए यदि मान लीजिए कि 10 लाख का केस है, ठीक है, तो डीआरटी का जो फी है वो है 12,000। ठीक है, 12,000 है 10 लाख वाले केस में, और हर एक 1 लाख के लिए 1,000 रुपया बढ़ता है, मैक्सिमम जाता है 1.5 लाख के लिए। ठीक है, तो फॉर ईच 1 लाख कितना बढ़ता है? 1,000 बढ़ता है, और मैक्स कितना रहता है? मैक्स जाता है दोस्तों 1.5 लाख तक। ये कोर्ट फी है हमारा डीआरटी का, जो कि ध्यान रखना है। अब देखिए डीआरएटी होता है, डेप्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है दोस्तों। तो दोस्तों डीआरएटी में जो है, मैं जो कोर्ट फी है वो बता रहा हूँ। तो यदि 10 लाख के कम का आपका केस है, ठीक है, तो उस केस में है 12,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि 10 से 30 के बीच में है, 10 से 30 के बीच में है, तो उस केस में जो कोर्ट फी है वह है 20,000 रुपया। और यदि 30 से ज़्यादा है, ठीक है, 30 लाख से ज़्यादा है, तो जो कोर्ट फी है, ये मैं डीआरटी के बता रहा हूँ, तो जो कोर्ट फी है वह है 30,000 रुपया। कितना है? 30,000 रुपया। चलिए अब उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीआरटी में, डीआरटी को जब रिसिप्ट एप्लीकेशन का हो जाता है तो वो समन ऑफर करता है डेफिडेंट को, उसको 30 दिन दिया जाता है। ठीक है, उस समन का टाइमिंग कितना होता है? 30 दिन होता है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग डीआरटी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डीआरटी में याद रखिएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट जज का क्वालिफिकेशन का होता है, क्वालिफाइड टू डिस्ट्रिक्ट जज। और यदि हम बात करें डीआरएटी की, तो जो इसको जो इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है, उसका जो चेयरपर्सन है वो क्वालिफाइड है टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए तो जितने भी ऑर्डर होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, वो है वो क्या होंगे? अपीलेबल हैं। ठीक है, तो ऑल ऑर्डर्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन बी अपील्ड। जैसे था ना लोक अदालत में कि अपील कर ही नहीं सकते, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको अपील कर सकते हैं। ठीक है, और जो अपील जो आएगा डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा डीआरएटी के पास। वो जाएगा दोस्तों किसके पास? वो जाएगा डीआरएटी के पास, और डीआरएटी को जो है 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसमें दोस्तों रिकवरी सर्टिफिकेट होता है, रिकवरी सर्टिफिकेट। ये कौन इशू करता है?
ये दोस्तों रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है दोस्तों। रिकवरी सर्टिफिकेट कौन इशू करता है बताइए? तो रिकवरी सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों वो इशू किया जाता है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। मैं शॉर्ट में से पीओ लिख रहा हूँ। पीओ कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अच्छा, एक होता है दोस्तों, एक वर्ड है कैविट, CAVEAT। तो कैविट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैविट का मतलब होता है पेटिशन फाइल्ड बाय एनी पार्टी। पेटिशन पेटिशन फाइल्ड बाय एनी पार्टी। तो कोई भी पार्टी यदि पिटिशन को फाइल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैविट कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जब सूट फाइल हो जाता है बैंक के द्वारा DRT के पास, तो DRT जो है समन करता है किसी डेफिडेंट डेफिडेंट को। ठीक है, तो डेफिड 30 दिन के अंदर, ठीक है, सर्विस समन उसको उसको वहाँ पे क्या करना है? को शो कॉज करना है। तो ये DRT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि ध्यान रखना है। तो बहुत सारा पॉइंट, लेकिन अपने आप को इतना ही पॉइंट से कन्फाइन करना है। चलिए, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो है NPV। NPV का फुल फॉर्म याद रखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। NPV का NPV क्या होता है दोस्तों? नेट प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों क्या होता है वो जरा देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया इज कम्पेयर टू फ्यूचर कैश अमाउंट आफ्टर दे आर डिस्काउंटेड बाय स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो देखिए NPV का फुल फॉर्म का मैं डेफिनेशन बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एट डिस्काउंटेड वैल्यू। एट डिस्काउंटेड वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू या प्रोजेक्ट कैश फ्लो एट डिस्काउंटेड वैल्यू माइनस कैपिटल आउटले। माइनस कैपिटल आउटले या एक्सपेंडिचर। दोस्तों इससे क्वेश्चन आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो क्या है कि देखिए आपके पास जो कैश फ्लोज है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे वो ले लीजिए, और जो कैपिटल आउटले है वो ले लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं? PV माइनस कैपिटल आउटले, यही तो है, समझ रहे हैं? PV माइनस कैपिटल आउटले, यही होता है हमारा क्या? NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए एक्सेप्ट कब करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान रखना है। क्राइटेरिया फॉर प्रेजेंट वैल्यू। तो क्राइटेरिया क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए? क्राइटेरिया क्या है कि आपको वैसा NPV को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट NPV विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको वैसा NPV को एक्सेप्ट करना है जो कि क्या है? 0 से क्या है दोस्तों? 0 से क्या है? ज़्यादा है। चलिए, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में कुछ पॉइंट मैंने आपको शेयर कर दिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन जहाँ से आता है दोस्तों वो आता है हमारा मॉर्गेज से। ठीक है, मॉर्गेज पे एक टॉपिक भी आप देखेंगे रिटेल बैंकिंग में, तो इसके बारे में आइए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्गेज होता क्या है? तो दोस्तों मॉर्गेज को किस एक्ट के अंदर डिफाइंड है, पहला क्वेश्चन है। तो एक्ट जिसके अंदर ये मॉर्गेज डिफाइंड है उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आता है कि मॉर्गेज में कैसे प्रॉपर्टी होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मॉर्गेज के अंदर हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं।
इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि ध्यान रखना है आपको, एक टाइप होता है मॉर्गेज का जिसे हम लोग कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। क्या कहते हैं दोस्तों? इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है देखिए, समझिए, इक्विटेबल मॉर्गेज अंदर क्या होता है, जो टाइटल्स है उसका जो डिपॉजिट होता है दोस्तों, डिपॉजिट ऑफ टाइटल, ठीक है, जो टाइटल है उसका जो डिपॉजिट होता है, या टाइटल डीड्स का डिपॉजिट, डिपॉजिट्स ऑफ टाइटल डीड्स एट नोटिफाइड टाउन्स, मतलब टाइटल डीड्स का जो नोटिफिकेशन डिपॉजिट कहाँ करेंगे, नोटिफाइड टाउन्स पे करेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। विथ इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी, क्यों करते हैं, टू क्रिएट सिक्योरिटी, ठीक है, या चार्ज आप जो कहें। तो देखिए, टाइटल डीड का डिपॉजिट हर एक कोई नोटिफाइड टाउन है वहीं पे होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि जो ओरिजिनल टाइटल डीड है वो लॉस्ट हो गया, समझिए, तो ऐसा देखिए, जो ओरिजिनल टाइटल डीड है वो लॉस हो गया, वो खो गया, तो बॉरोअर आस कर रहा है बैंक को कि कॉपीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तो इस केस में कैसा मॉर्गेज क्रिएट होगा? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग रजिस्टर्ड मॉर्गेज। एक ये सब याद रखिएगा, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, या कभी कभी इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मॉर्गेज। ये कब होता है ये समझिए, ये तब होता है, इसका कंडीशन क्या है ये होने का, कि ओरिजिनल कॉपीज लॉस्ट हो गया, तब ओरिजिनल कॉपी जो है वो क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया, तो उस केस में रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है। वो जो बॉरोवर क्या बोलेगा, बॉरोवर बोलेगा कि आप जो है जो कॉपीज़ है जो जो डुप्लीकेट कॉपी है वो एक्सेप्ट कीजिए, तो वो कहता है हमारा रजिस्टर्ड या सिंपल मॉर्गेज होता है, ठीक है। अच्छा, एक मॉर्गेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूसुफ्रक्चुरी मॉर्गेज, ठीक है दोस्तों। तो एक ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है, यूसुफ्रक्चुरी मॉर्गेज। तो दोस्तों देखिए, यूसुफ्रक्चुरी मॉर्गेज में क्या होता है कि ऐसा मॉर्गेज होता है कि मॉर्गेज इंजॉय द इनकम ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। देखिए क्या है, मॉर्गेज इंजॉय द मॉर्गेज इंजॉय द इनकम ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो वैसे मॉर्गेज को हम लोग क्या कहते हैं, यूसुफ्रक्चुरी मॉर्गेज। चलिए, तो इसमें जो है रेंटल इनकम जो होता है वो मॉर्गेज में हमें क्या करना होता है, पे करना होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है मॉर्गेज के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे मॉर्गेज के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसका लिमिटेशन पीरियड पता होना चाहिए। तो लिमिटेशन पीरियड कितना होता है मॉर्गेज का, लिमिटेशन पीरियड, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, लिमिटेशन पीरियड कितना है मॉर्गेज का बताइए। तो मॉर्गेज का जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 12 ईयर्स। कितना है दोस्तों, 12 ईयर्स है लिमिटेशन मॉर्गेज पीरियड का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों राइट टू, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि अपना राइट टू फोरक्लोजर। क्या है एक पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो कि है अपना राइट ऑफ फोरक्लोजर। तो ये राइट ऑफ फोरक्लोजर होता क्या है दोस्तों, इसे समझते हैं। देखिए, राइट ऑफ फोरक्लोजर किस तरह के मॉर्गेज में अवेलेबल है ये पूछा जाता है, इज अवेलेबल इन केस ऑफ विच काइंड ऑफ मॉर्गेज। तो दोस्तों देखिए, याद रखिएगा कि राइट ऑफ फोरक्लोजर जो है, यानी पहले आप क्लोज कर सकते हैं, वो अवेलेबल है आपका कंडीशनल, याद रखिएगा, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के केस में आपको राइट टू फोरक्लोजर अवेलेबल है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का मतलब क्या है, कि जो मॉर्गेजी है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, मॉर्गेजी
मॉर्टगेजी, इसके पास राइट है, इसके पास क्या है, राइट है। किस चीज़ का राइट है, कि वो डिवार कर सकती है मॉर्टगेज को, डिवार द मॉर्टगेज फॉर एवर, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए क्या कर सकती है, मॉर्टगेज को डिवार कर सकती है, ताकि वो प्रॉपर्टी को वापस ले ले, टू टेक बैक प्रॉपर्टी, टू टेक बैक प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, तो ये सेक्शन 67 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जिसमें राइट ऑफ फोरक्लोजर अवेलेबल है, किस केस में, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज बताई, इक्विटेबल मॉर्टगेज बताया, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज बताया, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज बताया, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल बताया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि यदि मान लीजिए मुझे इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट करना है, अब बताइए इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट करना है मुझे, तो टाइटल डीड्स को कहाँ डिपॉजिट करेंगे। तो देखिए, याद रखिएगा कि टाइटल डीड्स जो होता है उसे डिपॉजिट करेंगे, कहाँ डिपॉजिट करेंगे बताइए, तो स्टेट गवर्नमेंट इस कुछ जगह नोटिफाई करती है, एट प्लेसेस नोटिफाइड बाय, एट प्लेसेस नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो कुछ जगह हैं, उसी जगह पे क्या होगा कि हमारा टाइटल डीड को डिपॉजिट कर सकते हैं, किस केस में, इक्विटेबल मॉर्टगेज के केस में। अच्छा, उसके बाद दोस्तों, हाँ, एक होता है हमारा पारी पशु चार्ज, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पारी पशु चार्ज सेकंड मॉर्टगेज के केस में, तो वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मॉर्टगेज वाले केस में इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आपका आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। आइए आगे देखते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं दोस्तों। CDO, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CDO का एब्रिविएशन पूछ लिया जाता है, जो कि क्या है दोस्तों, कॉलेटरलाइज डेब्ट ऑब्लिगेशन, क्या है CDO का फुल फॉर्म, कॉलेटरलाइज डेब्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना है, कॉलेटराइज डेब्ट ऑब्लिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा CTR, ठीक है, CTR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, तो फिर उस केस में क्या होता है कि हर एक मंथ को इस चीज़ को सबमिट किया जाता है, 15 महीने, कब सबमिट करना है इसे हमें, 15th, ये देखिए हर एक मंथ का होता है, ऑफ ईच मंथ, इसको सबमिट कब करना है, 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब अगला जो महीना आएगा उसका 15वां तारीख तक जो है इसे सबमिट करना होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास PMLA है, PMLA मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, तो इस एक्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड रिलेटिंग टू क्लोज अकाउंट, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि मान लीजिए कोई अकाउंट क्लोज हो गया, कोई अकाउंट जो है वो क्लोज है, तो उसको कितना सालों तक हमें उसका रिकॉर्ड को रखना है, ठीक है, तो 5 ईयर्स तक, याद रखिएगा 5 ईयर्स आफ्टर क्लोजर, क्लोजर होने के बाद 5 साल तक उसके रिकॉर्ड को हमें रखना है, और ये किस एक्ट के अंतर्गत कहा गया है, PMLA के अंदर कहा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखना है, हाँ CTR के बारे में बात कर रहे थे, तो जितने भी 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है, या 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड बैंक को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, तो उसको, हाँ तो वो ध्यान रखिएगा, तो वो बैंक को क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, CTR समझ लिया आपने, अपने STR को समझिए, STR क्या होता है, STR से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, STR को यदि हम डिफाइन करें उसे हम लोग कहते हैं सस्पिशियस, दोस्तों जो भी मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ ना, सब बुक से लिया गया है, और ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको वन लाइनर के रूप में समझा रहा हूँ। तो सस्पिशियस क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट,
क्या बोलते हैं इसे, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, ये किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है FIU IND को। ठीक है, FIU IND, FIU क्या है हमारा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को FIU कहते हैं। और ये कब तक, कब देना है, तो दोस्तों 7 दिन के अंदर देना है, मतलब सस्पिशन कंफर्म हो गया उसके 7 दिन के अंदर, 7 days आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, किस चैप्टर से रिलेटेड, हमारा CTR, STR, CDO से रिलेटेड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आप मास्लो का नीड याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मास्लो का नीड, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आता है दोस्तों, हमारा बेसिक नीड होता है कंफर्ट, दूसरा है दोस्तों, देखिए मास्लो में जो बेसिक नीड है साइकोलॉजिकल नीड्स, उस पांचों नीड को देख लीजिएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कुछ रेमिटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो एक रेमिटेंस आप ध्यान रखेंगे, जहां से हम लोग MMID बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, MMID, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, MMID। ठीक है, MMID का फुल फॉर्म याद रखेंगे, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर बोलते हैं इसे, MMID को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, उसको रेगुलेट कौन करता है, RBI रेगुलेट करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो RTGS है, RTGS, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट होता है, ये आपको पता ही होगा, रियल टाइम बेसिस पर क्या होता है, सेटलमेंट होता है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखेंगे, जो ECS होता है हमारा, जो NEFT होता है हमारा, और जो MICR होता है, ये देखिए ये है रियल टाइम बेसिस सेटलमेंट, और ये है हमारा नेट सेटलमेंट बेसिस। तो एक रियल टाइम है और एक हमारा है नेट सेटलमेंट बेसिस। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखेंगे, जो हमारा NEFT है, NEFT का जो सेटलमेंट होता है वो होता है हमारा डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस, डेफर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस को। अच्छा देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है दोस्तों, वो डिसऑनर होता है, वो क्या होता है, डिसऑनर होता है। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है वो डिसऑनर क्यों होता है, क्योंकि आपका फंड इनसफिशियंट है, किस कारण से होता है ऑब्वियस सी बात है, आपका फंड है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कैसे होगा। ठीक है, तो अप टू 2 years, इनसफिशियंट फंड अप टू 2 years। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उस केस में, यदि डिसऑनर हुआ तो उस केस में दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि इम्प्रिजनमेंट कितना मिलता है, तो 2 साल का
2 साल का इम्प्रिजनमेंट मिलता है। ठीक है, 2 साल का इम्प्रिजन मिलता है किसके लिए? एप्लीकेंट के लिए, यदि डिसऑनर हुआ तो। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यदि डिसऑनर हुआ तो कितना साल का इम्प्रिजनमेंट है? तो याद रखिएगा 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, और जो डिस्प्यूट होता है दोस्तों, जो अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, फाइन जो है इस केस में, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का जो डिसऑनर केस हुआ उसमें फाइन याद रखिएगा, वो फाइन है 200% ऑफ अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है, जो चेक का वैल्यू है उसका 200% फाइन लगता है। कब? जब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर डिसऑनर होता है तब। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद दोस्तों हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड इज सम फुल फॉर्म। जैसे NFS है तो NFS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, तीसरा है हमारा UPI। UPI क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट सेटलमेंट, सॉरी यूनिफाइड पेमेंट सेटलमेंट नहीं, UPI से आई से सेटलमेंट नहीं होता है दोस्तों, UPI में आई से होता है दोस्तों सिस्टम, सॉरी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों जो फुल फॉर्म में ध्यान रखना है वो है BBPS। ठीक है, तो BBPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सॉरी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है दोस्तों, सिस्टम नहीं होता है, ये इंटरफेस होता है। ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट बताया गया, एक NETC होता है, NETC इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन। ठीक है, NETC फुल फॉर्म पूछा जाता है। एक और याद रखिएगा है NCMC, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, चलिए ये सब कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो UPI से रिलेटेड है। देखिए UPI का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये देखिए, ये सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम है। ये क्या है? सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम। और ये किसने डेवलप किया? तो NPCI ने इसे डेवलप किया। NPCI का फुल फॉर्म आपको पता है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने डेवलप किया UPI को। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांजैक्शन का अपर लिमिट है, ट्रांजैक्शन होता है उसका जो लिमिट है दोस्तों वो कितना है, वो लिमिट याद रखिएगा है 1 लाख। वो कितना है दोस्तों? 1 लाख। चलिए UPI का लिमिट आपको ध्यान रखना है कितना है, 1 लाख। चलिए उसके बाद हम लोग IMPS की बात करते हैं। IMPS जो है हमारा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फुल फॉर्म पे तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि एस इन IMPS अंडरस्टैंड फॉर, तो एस होता है हमारा सर्विस। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये भी जो है ऑपरेट कौन करता है, ये भी ऑपरेट करता है NPCI। ठीक है, NPCI ही इसे भी ऑपरेट करता है। ठीक है, और
हाँ, IMPS का टाइमिंग याद रखिए सर, लिमिट याद रखिए, लिमिट जो ट्रांजेक्शन का है, पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। और एक और याद रखिएगा कि टाइमिंग है 24x7। चलिए, ये IMPS से रिलेटेड पॉइंट हो गया। उसके बाद हम RTGS के बात करें तो RTGS को बताइए हम कि वो ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे होता है, और NEFT जो होता है, देखिए RTGS में भी थोड़ा सा बता देते हैं, नाम में ही लिखा हुआ है ना RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो RTGS जो होता है वो होता है ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे, और एक होता है हमारा NEFT। तो NEFT जो होता है वो होता है दोस्तों हमारा DNS। DNS क्या है? डेफर्ड नेट सेटलमेंट, डेफर्ड नेट सेटलमेंट, ठीक है, DNS सिस्टम होता है, ठीक है, NEFT का। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और पॉइंट याद रखिएगा RTGS के बारे में, कि जो RTGS है दोस्तों, हाँ, इसमें बैचेज में सेटलमेंट होता है। इसमें क्या होता है? बैचेज में सेटलमेंट, नेट में बैचेज में सेटलमेंट होता है, ठीक है। और टाइमिंग बताइए आपको, अब तो 24 आवर्स हो गया है। तो RTGS जो है वो वाई सेफ मैसेज फ्लो को यूज़ करता है। किसको? वाई सेफ मैसेज फ्लो स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ। और चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो NEFT से रिलेटेड है, NEFT से रिलेटेड है। तो NEFT में पार्टीज़ कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, NEFT में जो पार्टीज़ हैं उसे देखते हैं। तो देखिए, पहला पार्टीज़ है हमारा सेंडिंग बैंक, एक बैंक जो कि भेज रहा है। दूसरा पार्टी है सेंडिंग सर्विस सेंटर, तीसरा पार्टी है दोस्तों हमारा नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर, चौथा पार्टी है दोस्तों हमारा रिसीविंग सर्विस सेंटर, और दोस्तों पांचवा पार्टी है बेनिफिशियरी ब्रांच। तो कितने पार्टीज हो गए बताइए, तो जोड़ के आप पार्टीज बताइए, तो 5 पार्टीज होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पार्टीज होते हैं हमारे नेफ्ट में, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो मान लीजिए कि जो आपका RTGS है, ठीक है, RTGS, ठीक है, NEFT या आपका ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो इसमें कॉम्पेंसेशन, यदि डिले हो गया तो कॉम्पेंसेशन कितना मिलता है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। यदि डिले हुआ तो कॉम्पेंसेशन जो मिलता है उसका याद रखिएगा, RPI का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो रेपो रेट है उतना, प्लस 2%, ये कॉम्पेंसेशन है। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि डिले हुआ तो आपको बताना है कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा, तो ये होता है हमारा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि RTGS ये कौन मैनेज करता है, तो RBI मैनेज करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। RTGS इज मैनेज बाय RBI। अच्छा, RTGS के लिए मिनिमम लिमिट आपको पता है 2 लाख होता है, अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। और हाँ, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि 15 मिनट का क्वेश्चन दिया गया है। किसके लिए क्वेश्चन दिया गया है? कि मान लीजिए कि कोई रिजेक्शन हुआ मैसेज ट्रांसमिशन में RTGS में, तो 15 मिनट का क्वेश्चन दिया गया RTGS के केस में। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन बताइए कितना टाइम का होता है, तो याद रखिएगा 15 मिनट का क्वेश्चन होता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा RTGS है, ठीक है, वो क्या करता है, वो 2 रिस्क को टेक केयर करता है। एक है हमारा सिस्टमिक रिस्क, और दूसरा रिस्क है हमारा सेटलमेंट रिस्क। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RTGS किन दोनों रिस्क को अवॉइड करता है, तो सिस्टमिक रिस्क को अवॉइड करता है, और किसको अवॉइड करता है, सेटलमेंट रिस्क को अवॉइड करता है। चलिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा नेफ्ट के बारे में बात कर लें, NEFT के बारे में। तो NEFT के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि ध्यान रखना है आपको, कि इसमें जो होता है हाफ आवरली, हाफ आवरली इंटरवल सेटलमेंट होता है,
ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दोस्तों कोई भी यदि वॉक इन कस्टमर है, ठीक है, तो वॉक इन कस्टमर से एज पर आरबीआई आप 50,000 रुपये का नेफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, एज पर वॉक इन कस्टमर, एज पर आरबीआई गाइडलाइन आप बैंक हैव टू एक्सेप्ट नेफ्ट फ्रॉम वॉक इन कस्टमर अप टू 50,000, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई नेट ट्रांजैक्शन है, वो क्रेडिट नहीं हुआ या रिटर्न हो गया स्टिपुलेटेड टाइम में, तो बैंक को पेमेंट पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो पेनल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने बताया ना आपको पेनल इंटरेस्ट, कि आरबीआई का जो एलएएफ का जो रेपो रेट है +2%, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कोई अमाउंट पे लिमिट है क्या नेफ्ट के द्वारा, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई आदमी का अकाउंट नहीं है आपके यहाँ और वो नेफ्ट करवाने आया, तो आप कर सकते हैं 50,000 तक का नेफ्ट आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे आदमी को अपना पूरा एड्रेस, पूरा टेलीफोन नंबर सब कुछ देना पड़ेगा, ये आरबीआई के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये आरबीआई ऑपरेट करती है, ठीक है। ये ऑपरेट कौन करती है, आरबीआई ऑपरेट करती है। तो जो भी हमारा हाई वॉल्यूम लो वैल्यू डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो NACH ऑपरेट, NACH, ठीक है। और NPCI आता है हमारा, NPCI। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, SFMS, स्ट्रक्चर्ड फ्लो मैसेज सिस्टम। तो बेसिकली दो इंटर बैंक और इंट्रा बैंक के केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, तो मैसेजिंग सॉल्यूशन ये है हमारा। ये क्या है बेसिकली, SFMS क्या है, ये मैसेजिंग सॉल्यूशन है। जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब वन लाइनर है। तो मैसेजिंग सॉल्यूशन है किसके किसके बीच में, इंटर बैंक ऑब्लिक इंट्रा बैंक, ठीक है। मैसेजिंग सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, SFMS। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो हमारा IFSC कोड है, IFSC कोड जो अपना है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 11 डिजिट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है दोस्तों, स्विफ्ट, देखिए स्विफ्ट के बारे में पूछा जाता है। स्विफ्ट, तो स्विफ्ट जो है वो क्या करता है, वो इसमें फाइनेंशियल मैसेज को हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो हर एक ब्रांच के पास ईच ब्रांच है 11 डिजिट, ध्यान देखिएगा, 11 डिजिट बैंक आइडेंटिफायर, तो 11 डिजिट का क्या होता है दोस्तों, हर एक बैंक के पास 11 डिजिट का क्या होता है, बैंक आइडेंटिफायर कोड होता है, ठीक है। एवरी बैंक हैज 11 डिजिट बैंक आइडेंटिफायर कोड। तो RTGS या NEFT दोनों IFSC कोड को यूज करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ ATMs के बारे में बात कर लेते हैं। लेटेस्ट टॉक अबाउट सम ATMs। तो दोस्तों देखिए, एक एक हम लोग बात करते हैं वाइट लेवल ATM की, वाइट लेवल ATM। दोस्तों वाइट लेवल ATM क्या होता है, कि देखिए वाइट लेवल ATM वैसा ATM होता है जो कि और इंस्टॉल की जाती है अदर देन बैंक, ठीक है, अदर बैंक को छोड़कर, अदर देन बैंक। यदि कोई दूसरा एंटिटी इंस्टॉल कर रहा है, इसका नेटवर्थ जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए दोस्तों हमारा, नेटवर्थ कितना होना चाहिए उसका, 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा कोई भी एंटिटी जिसका बैंक को छोड़कर, तो वो वाइट लेवल ATM को इस्टेब्लिश कर सकता है,
ठीक है। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि सरकार जो है वाइट लेवल एटीएम के लिए एफडीआई लिमिट जो है, एफडीआई लिमिट वाइट लेवल एटीएम के लिए कितना रखी है, 100% रखी है। ठीक है, 100% एफडीआई लिमिट रखी है वाइट लेवल एटीएम के लिए। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि मिनिमम नेटवर्थ कितना चाहिए, तो मैंने बता ही दिया कि 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो इंस्टॉल वाइट लेवल में कितना है, 100 करोड़। अच्छा, अब एक चीज़ पूछा जाता है कि जब वाइट लेवल एटीएम इंस्टॉल करते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है, तो याद रखिएगा रिक्वायरमेंट फॉर वाइट लेवल एटीएम, तो पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों जीपीआरएस कनेक्शन, जीपीआरएस कनेक्शन। दूसरी लिमिट है आपके पास पीओएस टर्मिनल, और तीसरी लिमिट है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जीपीआरएस कनेक्शन, पीओएस टर्मिनल, और क्या है दोस्तों, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जरा इवोल्यूशन को देखिए कैसे इवॉल्व हुआ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बैंक का अपना एटीएम होता था, बैंक्स का अपना एटीएम होता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्राउन लेवल एटीएम आया, क्या आया, ब्राउन लेवल एटीएम आया। अब क्या आ गया, अब आ गया वाइट लेवल एटीएम। अब आप पूछेंगे कि ब्राउन लेवल एटीएम क्या है, मैं वही समझा देता हूँ। देखिए ब्राउन लेवल एटीएम क्या है, सिंपल भाषा में समझते हैं दोस्तों, कि सर्विस प्रोवाइडर जो है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसका, ब्राउन लेवल का। देखिए ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है, तो जो एटीएम मशीन है ना, एटीएम मशीन का जो हार्डवेयर होता है वो कौन खरीदता है, वो खरीदता है सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विस प्रोवाइडर का होता है। ठीक है, और एटीएम साइट, समझिए एटीएम साइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद लीज एग्रीमेंट, उसके बाद पैसा, उसके बाद पावर सप्लाई, समझने का प्रयास कीजिएगा, पावर सप्लाई। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी किसके पास, किसका पार्ट होता है, सर्विस प्रोवाइडर का। लेकिन जो हमारे स्पॉन्सर बैंक होते हैं उनका काम क्या होता है, वो कैश मैनेजमेंट का काम होता है, किसका काम होता है, कैश मैनेजमेंट का। तो कैश मैनेजमेंट का काम किसका होता है, कैश मैनेजमेंट का काम होता है, और बैंकिंग नेटवर्क का प्रोवाइड करना वो होता है स्पॉन्सर बैंक का। तो समझ रहे हैं बात को, इसे कहते हैं हम लोग ब्राउन लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम में ये दोनों काम चला जाता है सर्विस प्रोवाइडर का, लेकिन ब्राउन लेवल एटीएम में इतना काम रहता है सर्विस प्रोवाइडर का, और कैश मैनेजमेंट रहता है किसका, स्पॉन्सर बैंक का। ठीक है, और जो किसका लोगो डिस्प्ले होता है यहाँ पे, तो जो हमारा बैंक है, लोगो ऑफ बैंक इज डिस्प्लेड, बैंक इज डिस्प्लेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ब्राउन लेवल एटीएम में, ये चीज़ ध्यान रखना है कि लोगों किसका डिस्प्ले होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपके लिए एक काम दे रहे हैं, कि जस्ट एक टास्क है, आप देख रहे हैं कि मेरे बातों को ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आप एक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल जिसे बोलते हैं, तो जो POS के लिए आपको बताना है कि मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट कितना है, POS के लिए मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट कितना है आपको ये बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो बैंक क्यों प्रमोट करती है एटीएम को यूज करना, क्योंकि देखिए स्मॉल पेमेंट पे ह्यूमन कॉस्ट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक, हाँ, कोई एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि CGTMSE, ठीक है, CGTMSE में क्या क्या चेंज लाया गया, देखिए समझिए, पहला चेंज लाया गया CGTMSE में कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिजिबल लोन। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिजिबल लोन जो है वो हो गया 2 करोड़, पहले कितना था, पहले था 1 करोड़। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या है कि क्लेम अमाउंट में चेंज लाया गया,
मैक्सिमम क्लेम अमाउंट, ये हो गया दोस्तों 1.5 करोड़। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों, हाँ उसके बाद क्या चेंज आया, ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या आया कि जो एनुअल सर्विस फी था, एनुअल सर्विस फी था, तो एनुअल सर्विस फी को हम लोग शॉर्ट में ASF कहते हैं। ठीक है, ASF था, वो क्या हुआ, वो डिफरेंशियल, उसका चार्जिंग, इसका जो चार्ज है एनुअल सर्विस फी का जो चार्ज है वो किस पे आ गया, डिफरेंशियल रेट पे आ गया। वो क्या आ गया, डिफरेंशियल रेट पे आ गया। ठीक है, अपॉन NPA लेवल। उसके बाद दोस्तों कवरेज में एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन ऑफ कवरेज, तो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम था उसका कवरेज बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा, MSE रिटेल ट्रेड में, टू MSE रिटेल सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों CGTMSE में क्या हुआ कि हाइब्रिड सिक्योरिटी का कंसेप्ट आया, हाइब्रिड सिक्योरिटी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अच्छा एक लिमिट ऑफ गारंटी है, हम लोग बात करें दोस्तों CGTMSE का, तो एक पॉइंट आपको मैं बता ही देता हूँ कि गारंटी लिमिट कितना है, वो जरा देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यदि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज, तो हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ गारंटी गारंटी कवरेज की, तो यदि हम बात करें माइक्रो इंटरप्राइज की, तो उस केस में जो है, उस केस में मान लीजिए कि जो क्रेडिट फैसिलिटी दिया गया है वो 5 लाख तक का दिया गया है, तो उस केस में जो हमारा गारंटी कवरेज है वो 85% है। ठीक है, 85% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4.25 लाख, 85% किसका, जो डिफॉल्ट अमाउंट है उसका, पहला केस। दूसरा केस बताते हैं आपको कि वुमेन, वो वुमेन इंटरप्रेनर, वुमेन इंटरप्रेनर, तो वुमेन इंटरप्रेनर में क्या कहा गया है, इसमें जो कवरेज दिया गया है वो है 80% का। ठीक है, तो 80% और मैक्सिमम कितना है, 40 लाख। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज कितना है CGTMSE में, तीसरा है दोस्तों, यदि 5 लाख से ज़्यादा हो, मतलब 5 से लेकर 50 लाख तक का रेंज हो, तो उस केस में जो है CGTMSE कवरेज दिया गया है 75% ऑफ डिफॉल्ट। ये देखिए सब डिफॉल्ट अमाउंट का है, या मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 37.5 लाख। चौथा पॉइंट है कि 50 से लेकर 200 लाख, यानी 2 करोड़ तक जो है 75% है डिफॉल्ट अमाउंट का, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 लाख। ठीक है, चलिए तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या हमें बताना है, RRB के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिए, रीजनल रूरल बैंक के बारे में। देखिए इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 50%, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है बताइए, स्टेट गवर्नमेंट का है 15%, और स्पॉन्सर बैंक का कितना है, स्पॉन्सर बैंक का है दोस्तों 35%। और दोस्तों इसको प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना दिया गया है, प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट दिया गया है 75%। ठीक है, तो ये RRB के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपको पूछा जाएगा, एक बॉन्ड है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सॉवरेन
गोल्ड बॉन्ड स्कीम, क्या कहते हैं दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इससे क्वेश्चन लगातार आता है, ठीक है, केस स्टडी के फॉर्म में आता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं यहाँ के इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, तो इसमें जो डिनोमिनेशन होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो डिनोमिनेशन होता है इस पार्टिकुलर बॉन्ड में, वो या तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा और या इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। ये डिनोमिनेशन याद रखिएगा, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड या इसका मल्टीपल, ठीक है। हाँ, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, 1 ग्राम कर सकते हैं। अच्छा, 1 ग्राम से लेकर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 4 केजी, 4 केजी कर सकते हैं। किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, 4 केजी इंडिविजुअल के लिए, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी है 4 केजी, HUF जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। और 20 केजी है ट्रस्ट के लिए, तो कोई भी ट्रस्ट मैक्सिमम जो है 20 केजी सोना, 20 किलो सोना इस स्कीम के अंतर्गत लगा सकती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों जो इंटरेस्ट होता है, यदि हम हाफ ईयरली बात करें तो हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट है वो है 2.5%। ऑब्वियसली बात है, ये चेंज होते रहता है, ऐसा कोई फिक्स है नहीं। और दोस्तों देखिए, इसका रिडम्पशन क्या होता है, इसका रिडम्पशन होता है एक्सपायरेशन ऑफ 8 ईयर। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडम्पशन कब होता है दोस्तों, रिपेबल ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 8 ईयर्स। मतलब 8 साल बाद जो है ये पूरा रिपेबल किया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों प्रीमैच्योर रिडम्पशन चाहिए तो, यदि आपको पहले रिडम्पशन चाहिए तो, यदि आप प्रीमैच्योर रिडम्पशन कराना चाहते हैं तो 5 साल के लिए, 5 साल, 5th ईयर, ठीक है। चलिए, तो ये सब पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, किसके बारे में, SLR के बारे में, सॉरी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग देखते हैं स्टैंड अप इंडिया के बारे में। देखिए, स्टैंड अप इंडिया पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आइए उसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग। स्टैंड अप इंडिया, देखिए इसमें कुछ स्कीम है ना, क्योंकि हमें रिटेल गवर्नमेंट, रिटेल बैंकिंग में कवर करना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, सरकार ने लॉन्च किया था किसके लिए, न्यू एंटरप्राइज के लिए, किसके लिए, न्यू एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें किसमें की पॉइंट है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो देखिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट किसमें किसमें, तो दोस्तों ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, ट्रेडिंग सेक्टर है, और या सर्विस सेक्टर है, ये सभी सेक्टर्स में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। किन के द्वारा, SC के द्वारा, ST के द्वारा, वोमेन के द्वारा, ठीक है, ये सभी एंटरप्रेनर के द्वारा। तो बेसिकली ये स्कीम लॉन्च किया गया है किसके लिए, एंटरप्रेनर के लिए, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि क्रेडिट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि क्रेडिट फैसिलिटी जो अवेलेबल है इस स्कीम के अंतर्गत वो कितना, उसका लिमिट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंड अप इंडिया जो हमारा स्कीम है सरकार का, उसमें मिनिमम जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो 10 लाख है, 10 लाख से लेकर कहाँ तक, 10 लाख से लेकर 100 लाख तक, मतलब 1 करोड़ तक, ठीक है। तो ये है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि जो 51% शेयर होल्डिंग का है वो किसके द्वारा है, SC ST और वोमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा है। चलिए, तो ये स्टैंड अप इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुद्रा लोन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी मुद्रा लोन के बारे में, आइए कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो दोस्तों मुद्रा लोन एक नया इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार ने, भारतीय सरकार ने सेट किया है ताकि हम फंड प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, किसे फंड प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों नॉन कॉरपोरेट, मतलब जो कॉरपोरेट नहीं है, नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म सेक्टर, नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म सेक्टर जो कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज का एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। और इसका इनकम याद रखिएगा, ऐसा सेक्टर इसका इनकम कितना है, 10 लाख से कम है, ठीक है। तो उसके लिए मुद्रा लोन को सरकार ने लॉन्च किया गया। उसके बाद दोस्तों, हाँ,
देखिए एक क्रेडिट रिपोर्ट होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो हमारा फ्री एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट होता है, फ्री एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है, वो किसी इंडिविजुअल को कौन प्रोवाइड करता है, तो CIC, ठीक है, तो CIC है हमारा, CIC क्या करती है कि फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट देती है एक साल कैलेंडर ईयर में एक बार, ठीक है, हाँ, तो ये देती है CIC। पूछा जाता है कि कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर में आप बताइएगा कि CIC प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं IBBI, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए ये करता क्या है, IBBI करता क्या है दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड करता क्या है, इसका आपको काम याद रखना है। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी एंड ये इंसॉल्वेंसी का रेगुलेटर है, ठीक है, ये क्या है, इंसॉल्वेंसी का रेगुलेटर है, ठीक है। चलिए यदि कोई इंसॉल्वेंट होता है तो ये इसके अंदर रेगुलेट होता है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारा PMEGP है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो स्कीम है सरकार का, तो इसका नोडल एजेंसी कौन है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, तो इसका नोडल एजेंसी याद रखिएगा KBIC, किसका नोडल एजेंसी कौन है, KBIC। अच्छा अब जब हम PMEGP स्कीम पे आ ही गए हैं तो एक दो पॉइंट और हम बता देते हैं। एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो हमारा कोलेट्रल सिक्योरिटी है, उसको कितना एग्जेम्प्टेड किया गया है, एग्जेम्प्टेड अप टू, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी को कितना एग्जेम्प्ट किया गया है बताइए, तो 10 लाख तक, ठीक है, 10 लाख तक कोलेट्रल सिक्योरिटी को क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। और तो ये किस स्कीम के अंतर्गत, PMEGP स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, मतलब समझिए कि 10 लाख तक कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी लेना ही नहीं है, ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद दोस्तों एक मॉडल है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपोगेट मॉडल, क्या कहते हैं, PROPOGATE प्रोपोगेट मॉडल, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ दोस्तों, पी से होता है प्रोडक्ट, ठीक है, पी से क्या है, प्रोडक्ट, आर से है रिस्क, ओ से है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फिर पी से है पीपल, फिर ए से है एपिटाइट, उसके बाद जी से है ज्योग्राफी, उसके बाद ए से है एट्रीब्यूट, टी से है ट्रेनिंग, ई से है एजुकेशन। दोस्तों कभी कभी इसमें पूछ लेगा ए से बताइए क्या है, ठीक है, जी से क्या है, तो इसको पूछता है क्वेश्चन, तो प्रोपोगेट मॉडल को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका अपना एक लाइफ साइकिल है, ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का में क्या क्या स्टेज आता है बताइए, तो देखिए मैं स्टेज को रिकॉल करवा देता हूँ आपको, तो पहला स्टेज है हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेज है ग्रोथ, तीसरा स्टेज है मैच्योरिटी, चौथा स्टेज है सैचुरेशन और पांचवा स्टेज है डिक्लाइन, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके। अब दोस्तों हाँ इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बैंक जो है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रही है, बैंक की सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, जैसे LIC का कोई जीवन बीमा निगम है, तो वो जो है बैंक सेल कर रही है, बैंक का इंश्योरेंस जो कहते हैं,
तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है। तो दोस्तों इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो है रेपुटेशन रिस्क। कौन सा रिस्क है? रेपुटेशन रिस्क। ठीक है, रेपुटेशन रिस्क जो है एक तरह से ऑपरेशनल रिस्क का ही पार्ट है। ठीक है, तो कौन कौन सा, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ जहाँ बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करती है। एग्जांपल मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए LIC प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना, LIC का मार्केटिंग करना। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कि नॉन LIC प्रोडक्ट, GIC का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करना। ठीक है, तीसरा मैं बताता हूँ आपको जो हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। चौथा मैं बताता हूँ आपको डीमैट सर्विस, यदि डीमैट सर्विस बैंक दे रही है। ठीक है, पांचवा मैं बताता हूँ आपको ब्रोकिंग सर्विस। तो बताइए ये जो सर्विसेज हैं ये सब सर्विसेज क्या है? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही तो है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, समझ में आया? तो ये सब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। हाँ, एक होता है फंड बेस्ड फैसिलिटी, आपने पढ़ा भी है, एक होता है नॉन फंड बेस्ड। तो यदि हम बात करें नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करती है वो कौन कौन सी है बताइए? नॉन फंड बेस्ड में क्या क्या आता है बताइए? आपको पता होगा, एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, उसके बाद एक आता है हमारा गारंटी, उसके बाद आता है आपका को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, उसके बाद आता है दोस्तों आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा? नॉन नॉन फंड बेस्ड पेमेंट गारंटी है। अच्छा दोस्तों, एक होता है हमारा टर्म लोन, होता है ना टर्म लोन, और एक होता है हमारा डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी। हम लोगों ने AVM में पढ़ा है इसे, दोनों के बीच में डिफरेंस पता है आपको? देखिए ये जो होता है टर्म लोन है वो फंड बेस्ड है, ये क्या है? फंड बेस्ड है। और जो DPG होता है दोस्तों वो क्या है हमारा? नॉन फंड बेस्ड है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्टाम्प एक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा स्टाम्प एक्ट है जो हमारा स्टाम्प एक्ट है 1899 का, ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि कितना टाइम पीरियड है जिसके अंदर स्टाम्प वैल्यू को हर एक इंस्ट्रूमेंट जो कि भारत के बाहर एग्जीक्यूट होते हैं उसके लिए डिटरमाइन करना होता है। तो उसके लिए आंसर याद रखिएगा 3 मंथ। यानी समझिए स्टाम्प एक्ट में क्या कहा गया है कि 3 महीना टाइम पीरियड है जिसमें स्टाम्प वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा वैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि भारत से बाहर एग्जीक्यूट होते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ एजुकेशन लोन के बारे में कुछ पॉइंट बता दूं। एजुकेशन लोन के बारे में कुछ पॉइंट आपको रिकॉल करवा दूं। तो दोस्तों देखिए एजुकेशन लोन के बारे में कुछ पॉइंट है कि इसका मॉरेटोरियम पीरियड कितना होता है ये पूछा जाएगा। तो मॉरेटोरियम पीरियड होता है दोस्तों 12 मंथ। 12 मंथ कब कब से? आफ्टर स्टडीज, आफ्टर कॉम्प्लीशन, मतलब पढ़ाई के 12 महीना बाद, ठीक है, या एक और हो सकता है 6 मंथ आफ्टर जॉब, 6 मंथ आफ्टर जॉब। इन दोनों में से कौन? तो जो भी आपका अर्लियर होगा, विच इज अर्लियर, या तो मान लीजिए कि पढ़ाई ख़त्म तो उसके 12 महीना के बाद, यानी तो जॉब मिल गया तो 6 महीना के बाद, जो भी पहले होगा, तो एजुकेशन लोन का ये मॉरेटोरियम पीरियड होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों मार्जिन कितना होता है एजुकेशन लोन पे? ठीक है, मार्जिन याद रखना है। तो देखिए यदि 4 लाख तक से कम का यदि एजुकेशन लोन है तो उस केस में मार्जिन जो होता है वो नील होता है। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना है 4 लाख से कम का है तो मार्जिन कितना लेना है? नील लेना है। ठीक है, मॉरेटोरियम पीरियड मैंने बता ही दिया। अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर में कितना एजुकेशन लोन आता है? 20 लाख तक का आता है, पता है आपको। और रिस्क वेट कितना होता है एजुकेशन लोन का?
रिस्क वेट होता है दोस्तों 75%। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों जो हमारा IBA स्कीम होता है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का जो स्कीम है एजुकेशन लोन मॉरेटोरियम पीरियड का, वो है कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ कोर्स और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए 4 लाख तक का लोन है तो कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी या गारंटी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको पता ही है। अच्छा, KYC गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, लो रिस्क कस्टमर के लिए पीरियडिसिटी जो कहा गया है फोटोग्राफ का लेटेस्ट एड्रेस होगा वो 10 साल है, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क कस्टमर के लिए 2 साल है। ठीक है, तो और फुल KYC एक्सरसाइज के लिए एवरी टू ईयर फॉर हाई रिस्क कस्टमर। देखिए एक चीज़ समझिए, कोई यदि हाई रिस्क कस्टमर है, समझिए चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस संभावनाएं हैं, तो हाई रिस्क कस्टमर यदि है, कौन कौन से हाई रिस्क कस्टमर होते हैं, जैसे NGO हो गए, जैसे आपके HNI हो गए, जैसे आपके हो गए ट्रस्ट, ये सब हाई रिस्क कस्टमर है, तो क्या कहा गया है इनके लिए जो फुल KYC एक्सरसाइज है वो आपका एटलीस्ट एवरी टू ईयर, मतलब फुल KYC हर 2 साल करना ही है। ठीक है, हाँ, और जो हमारे मीडियम KYC है, जो लो रिस्क वाले हैं, समझिए, जो लो रिस्क वाले हैं उनके लिए कितना टाइमिंग है, 10 साल। ठीक है, और जो मीडियम रिस्क के जो हैं लोग, तो उनके लिए है 2 साल, मीडियम रिस्क हो या हाई रिस्क हो उनके लिए कितना है, 2 साल। ये ध्यान रखना है कि हर एक 2 साल पर उनका फुल KYC करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME Act। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को। नेक्स्ट है हमारा MSME Act। MSME Act क्या है दोस्तों, कि एनुअल टर्नओवर इन प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे नया क्राइटेरिया बनाया गया। ये देख के जाइएगा, मैंने आपको समझाया भी था कि पहले था अलग अलग, अब टर्नओवर के बेसिस पे बनाया गया है। तो MSME एक्ट में आप लिमिट देख के जाइएगा, किसका लिमिट कितना है। ठीक है, और जो कुछ लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं लिमिट, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाएगा कि MSME एक्ट के अंदर क्या लिमिट को बताया गया है। चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ MSME का जो लिमिट है, ठीक है, सभी लोग के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो जो नया क्लासिफिकेशन है टर्नओवर के बेसिस का, उस पर देखिए माइक्रो के केस में क्या कहा गया है, कि माइक्रो का टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम होगा। ये टर्नओवर है, ये क्या है, टर्नओवर। ठीक है, यदि स्मॉल की बात करें तो इसका टर्नओवर जो है पाँच से लेकर 75 करोड़ तक होगा। ठीक है, और यदि मीडियम है, मीडियम इंटरप्राइज है, तो उसका जो टर्नओवर है वो 75 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक होगा। ठीक है, तो ये लिमिट है MSME का, ये ध्यान रखना है आपको। और एक एक्ट तो आपको पता ही है, एक्ट कौन सा गवर्न होता है, वो है, एक्ट का नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, शॉर्ट में इसे हम लोग कहते हैं MSME Act। कब का एक्ट है, 2006 का एक्ट है। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि मान लीजिए कोई खरीदार है, जो बायर है, वो पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, सप्लायर को, तो 45 दिन के अंतर्गत तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा विथ मंथली रेस्ट टू सप्लायर ऑन द अमाउंट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। ठीक है, और ये जो ध्यान दीजिएगा कब, पहला तो पॉइंट याद रखना है, इस एक्ट में क्या कहा गया है कि डिफॉल्ट यदि होता है तो 45 दिन का डिफॉल्ट यदि होता है तो यदि 45 दिन के बाद थ्री टाइम्स ऑफ बैंक रेट, ये रेट ध्यान रखना है, थ्री टाइम्स ऑफ बैंक रेट, इस रेट से, ये इसका पेनल्टी रेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, MSME एक्ट में कुछ और पॉइंट आपसे पूछ लेता है, बता, ये पूछेगा कि कितना पैसा तक कोलेट्रल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो याद रखिएगा 10 लाख तक नो कोलेट्रल
सिक्योरिटी, मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई की। चलिए उसके बाद कुछ पॉइंट आप पूछ लेगा कि जो प्रोविजनिंग है वो कितना है स्टैंडर्ड एमएसएमई एडवांस का। तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड एमएसएमई एडवांस है उस केस में जो प्रोविजनिंग है वो है 0.25%। कितना है? 0.25% एमएसएमई एडवांस का स्टैंडर्ड एमएसएमई का 0.25% है। और किसका? तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है एमएसएमई एक्ट के तहत के अंतर्गत। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जो भी मैं इसको बेसिकली जो हमारा रिवीजन सेशन है उसको मैं 3 सेशन में लाऊंगा। आज ये हमारा पहला सेशन था जिसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को जोड़ें हमारे चैनल के साथ ताकि वो भी इस पार्टिकुलर सेशन का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।